हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्रीवियसली क्लास टेंथ बोर्ड में आ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर चैप्टर से और हम जो PYQ डिस्कस करेंगे वो चैप्टर वाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम किस चैप्टर का डिस्कस करेंगे? रियल नंबर्स का। सो लेट अस स्टार्ट। तो देखो, रियल नंबर जो चैप्टर है इससे बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एक नंबर का 3 क्वेश्चन आता है और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ओके, तो बेसिकली हम जो भी PYQ देखेंगे वो 1 नंबर का देखेंगे और 3 नंबर का देखेंगे। अब देखो, बेसिकली जो रियल नंबर चैप्टर है इसमें 4 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, पहला टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ नंबर से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद HCF एंड LCM से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फाइनली इरेशनल नंबर का प्रूविंग 3 नंबर में यही पूछा जाता है जनरली, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक से ही जनरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है। ओके, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे PYQ वो रियल नंबर का और टाइप्स ऑफ नंबर्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50, पी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 32/50, देन पी इज एन ए, क्या होगा? पी क्या होगा? होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रैशनल नंबर होगा, रैशनल होगा। देखो, तो हमें पी का वैल्यू पूछ रहा है, बट दिया क्या है? पी स्क्वायर। तो हम पी इजिली फाइंड कर सकते हैं। सो पी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 32/50। बट 32 अंडर रूट और 50 अंडर रूट किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो क्या हम इसको इरेशनल लिख दें? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। देखो, ये आपका 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। और रूट 16 कितना होता है? रूट 16 होता है 4 और रूट 25 होता है 5। सो 4/5, पी का वैल्यू कितना आ गया? 4/5। तो क्या हो जाएगा? इट इज रैशनल नंबर PYQ के फॉर्म में। क्लियर? चलो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, मुझे इन चारों ऑप्शन में से इरेशनल नंबर का पेयर फाइंड करना है हूज प्रोडक्ट इज अ रैशनल, जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? रैशनल आना चाहिए। देखते हैं। चलो, तो हमें किस चीज का पेयर चाहिए? इरेशनल नंबर का। वेरी गुड। रूट 16, क्या रूट 16 इरेशनल है? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन तो सीधा खत्म। चलो आगे चलते हैं। यहाँ देखो, रूट 36, इसका आंसर होता है 6, क्या ये इरेशनल है? ये भी खत्म। अब क्या बचा? रूट 5 इंटू रूट 2, हाँ ये दोनों इरेशनल है। प्रोडक्ट करके देखते हैं, रूट 5 इंटू रूट 2 कितना? रूट 10, क्या ये रैशनल है? रूट 10 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए? रैशनल आना चाहिए। तो क्या ये रैशनल है? नहीं। तो ये भी खत्म। तो क्या बच गया? ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो रूट 3 इंटू रूट 27, रूट 81 हो जाएगा। रूट 81 किसके बराबर होता है? 9, और 9 क्या है? रैशनल नंबर। दैट्स इट। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बट स्मॉलेस्ट, बाय विच रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाइड, जिससे हम रूट 20 को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल नंबर आ जाए। ठीक है, देखते हैं। तो मतलब मुझे क्या चाहिए? देखो, मुझे चाहिए कि रूट 20 को मैं किस इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि जो मेरा रिजल्ट होगा वो रैशनल होगा। मतलब मुझे इरेशनल से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 5 देखो, 5 तो रैशनल है, ये तो सीधा कट हो गया। ठीक है, अब देखो, ये तीनों रैशनल है, रूट 5 भी इरेशनल, रूट 2 भी इरेशनल, रूट 20 भी इरेशनल, बट मुझे क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट चाहिए। तो हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। चलो रूट 2 से स्टार्ट करते हैं। नाउ रूट 2 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? रूट 40। क्या रूट 40 रैशनल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप इसको सिंप्लीफाई भी करोगे फर्दर फिर भी रूट रह ही जाएगा, तो ये रैशनल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चलो रूट 5 को चेक करते हैं। रूट 5 अगर हम चेक करें तो रूट 20 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा? रूट 100। यस, रूट 100 क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 10। सो 10 इज अ रैशनल नंबर। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, आगे जाएंगे नहीं। दैट्स इट। तो ये हमने बेसिकली टाइप्स ऑफ नंबर पे ये 3 क्वेश्चन देखा जो कि रिसेंट प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे HCF और LCM पे किस टाइप के क्वेश्चंस आए। सो नाउ वी विल सॉल्व PYQ ऑन HCF एंड LCM। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है?
पहला क्वेश्चन कह रहा है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, चार ऑप्शन दिए गए, ठीक है चलो सो लेट्स ट्राई। तो क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, देखो तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा होगा बोलो, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर विल बी 10, परफेक्ट। चलो और क्या पूछ रहा है, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या वन कंपोजिट है, वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, टू टू इज अ प्राइम, थ्री इज अ प्राइम, फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो टेन हो गया और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज फोर। अब मुझे इसका क्या चाहिए, मुझे इसका एलसीएम चाहिए, चलो तो टेन और फोर का एलसीएम निकाल देते हैं। सो टेन और फोर का एलसीएम टू, टू फाइव जा टेन, टू टू जा फोर, नाउ एलसीएम विल बी इक्वल टू टू इंटू फाइव इंटू टू, टू इंटू फाइव इंटू टू, फाइव टू जा टेन, टेन टू जा 20, तो एलसीएम कितना आ गया 20, सो थर्ड वन इज आवर आंसर, दैट्स इट। चलो पहला क्वेश्चन डन, आई होप समझ में आया होगा आपको, चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एच सी एफ टू एल सी एम, मुझे एच सी एफ भी निकालना है और एल सी एम भी निकालना है, उसके बाद उसका रेशियो बताना है किसका, ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर। देखो अभी जस्ट मैंने अगले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में बताया था लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, लीस्ट कंपोजिट नंबर विल बी फोर, ठीक है, एंड लीस्ट प्राइम नंबर, और लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, लीस्ट प्राइम नंबर विल बी टू, टू सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, ठीक है, और फोर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है, ओके। अब मुझे इसका एच सी एफ और एल सी एम का रेशियो चाहिए, चलो तो सबसे पहले इसका हम एच सी एफ निकाल देते हैं। सो फोर को हम क्या लिख सकते हैं, फोर को लिख सकते हैं टू इंटू टू, और टू को क्या लिख सकते हैं, टू को लिख सकते हैं टू इंटू वन, चलो तो एच सी एफ विल बी, एच सी एफ क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एच सी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे टू हो गया इसका कॉमन, सो टू इज आवर एच सी एफ। चलो एल सी एम देखते हैं, एल सी एम मैंने बताया था जो दोनों में कॉमन है उसको तो हम लिखेंगे ही, बाकी जो रेस्ट है, तो फोर में क्या रेस्ट है टू, और टू में क्या रेस्ट है वन, तो वो लिख देंगे, तो एल सी एम कितना आ गया, टू टू ज़ा फोर, सो एच सी एफ इज टू एंड एल सी एम इज फोर। अब इसका रेशियो क्या हो गया, मुझे एच सी एफ इज टू एल सी एम पूछ रहा है, मतलब पहले क्या आना चाहिए, एच सी एफ आना चाहिए, सो रेशियो विल बी टू इज टू फोर, बट टू इज टू फोर तो यह है ही नहीं, सिंप्लीफाई कर देंगे, सो इट विल बी वन इज टू टू, वन रेशियो टू, सो दिस विल बी आवर आंसर। अगर पूछता एलसीएम इज टू एच सी एफ, पहले एलसीएम फिर एच सी एफ, तो ये आंसर हो जाता, क्लियर। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग इफ एच सी एफ ऑफ, दो नंबर दिया है उसका एच सी एफ है 40, क्लियर, और एलसीएम उन दोनों नंबर का कितना है 252 इंटू के, फाइंड के, ये क्या वैल्यू निकालना। चलो देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा था, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्लियर। तो देखो दो नंबर मेरे पास दिए हुए, क्या क्या, पहला नंबर है 2520 और दूसरा नंबर क्या है 6600, ओके, और इनका एच सी एफ दिया हुआ है हाउ मच 40, तो एच सी एफ की जगह हम क्या लिख देंगे 40 इंटू, एलसीएम कितना दिया है 252 इंटू के, तो एलसीएम की जगह हम ये लिख देंगे 252 इंटू के, अब हमें के का वैल्यू निकालना है, दैट्स इट। चलो सॉल्व कर देते हैं, सो नाउ के विल बी इक्वल टू, के विल बी इक्वल टू, देखो 2520 तो है ही मेरे पास, लिख देते हैं 2520 इंटू 6600 भी है इसको भी लिख देते हैं अपॉन, अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में था, ये दोनों को उधर भेज देंगे, किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो ये जाएगा 40 और ये 252, क्लियर। चलो 00 कैंसल, 252 कैंसल, 4 बच गया, सो 4 वन जा 4, इसको कैंसिल करेंगे, सो 4 वन जा 4, 26, 4 6 जा 24, 20, 4 5 जा 20 एंड वन मोर 0, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखो 1650, क्या वैल्यू कितना आ गया 1650, सो फर्स्ट विल बी आवर आंसर। Now we will see some PYQ from fundamental theorem of arithmetic. चलो देखो, so basically
क्वेश्चन आया था आपका प्रीवियसली, सो दैट द नंबर 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज अ कंपोजिट नंबर, और ये दो नंबर में आया था, ठीक है। चलो सो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। तो देखो कंपोजिट नंबर बेसिकली, आपको अगर फंडामेंटल थ्योरम याद हो तो बेसिकली वो क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो देखो ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर, हमें ये प्रूव करना है अगर हम इसको इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दे तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो करके देखते हैं, आ जाओ। सो लेट्स सी, नाउ विल टेक द नंबर 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11। अब देखो यहां पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में, यहां भी 11 है यहां भी 11 है, तो हम क्या करेंगे 11 को कॉमन ले लेंगे। अगर हम 11 कॉमन ले लिए तो इस पार्ट में क्या बचा, 5 इंटू 17 बचा, ओके प्लस का साइन लगाएंगे, और इस पार्ट में क्या बचा, 11 तो कॉमन हो गया तो 3 बचा, ओके। नाउ 11 17 5 से कितना हो जाएगा हमारा 85 प्लस 3, क्लियर। अब देखो 85 प्लस 3 को ऐड कर दो, सो दिस विल बी 11 मल्टीप्लाई बाय 88, ओके। अब 88 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 88 कैन बी रिटन एज 11 इंटू 8। अगेन 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट्स इट। अब देखो ये जितने भी नंबर है 11 11 2 2 2 सबके सब क्या है, प्राइम नंबर हैं, और हमने ये जो स्टार्टिंग का नंबर था इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में लिख दिया। तो आगे हम लिख देंगे कि ये जो नंबर है, सो वी हैव written, क्या हमने लिख दिया, we have written 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 into product of its prime, product of its prime, product of its prime as, कैसा लिखा, 11 into 11 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So we conclude that, so we can say जो हमारा नंबर है 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is a composite number. I hope it is clear. ठीक है, बस हमें इतना ही करना था, proved हो गया, clear। चलो दूसरा question देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये भी दो नंबर में आया था, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आप वहां पे जाके एक बार सॉल्यूशन देख लो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। इरेशनल नंबर में बेसिकली प्रूविंग वाले क्वेश्चन ही आते हैं जो कि 3 मार्क्स में आएंगे, ओके। सो पहला क्वेश्चन क्या आया था, देखो प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, 3 नंबर में आया था। या तो रूट टू के जगह और क्या दे सकता है, रूट 3 दे सकता है, रूट 5 दे सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन है ये सारा का सारा आपका एक्सरसाइज 1.2 में मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका है एनसीईआरटी, तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाके ये सारे का सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। और कैसा प्रूविंग दे सकता है, देखो प्रूविंग में बेसिकली 4 कैटेगरी होता है। पहला कैटेगरी तो ये हो गया रूट टू रूट थ्री रूट फाइव, नॉर्मल वाला दे देगा, ठीक है। और कैसा दे सकता है, दूसरा देखो, प्रूव दैट 5 - 2√3, मतलब यहां पे क्या है बेसिकली, एक रैशनल है और एक इरेशनल है, ठीक है, और ये दोनों के बीच में निगेटिव साइन मतलब डिफरेंस का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। एंड इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आपको
इसको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल होगा। तो इसका भी एक तरीका होता है प्रूफ करने का, वो भी मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.2 में सॉल्व करवा चुका है, आप वहां जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 में आप देख सकते हो। ठीक है, और देखो और कैसा पूछ सकता है इस कैटेगरी में, तो और ऐसा पूछ सकता है 5 + √3 प्रूव करो कि ये इरेशनल है, और क्या पूछ सकता है माइनस वाला हो ही गया, और ऐसा पूछ सकता है मल्टीप्लाई वाला 7 √5 ये इरेशनल है ये प्रूफ करो, और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि 1 / √3 ये इरेशनल है इसको प्रूफ करो। तो बेसिकली ये चार कैटेगरी बनता है और ये बेसिक कैटेगरी, बस ये पांच कैटेगरी का क्वेश्चन प्रूविंग में आता है, 3 नंबर में, और ये 100% आता ही आता है। ठीक है, चलो, सो दीज 4 आर द कैटेगरीज, इन चार टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो ये हमने पीवाईक्यू हमने किया रियल नंबर चैप्टर से। ठीक है,